फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। एंड यार, विंटर्स जो है चल रही हैं, तो प्लीज़ अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं। और इस टाइम में मतलब आसपास जहाँ भी पूछो तो सबके बच्चे बीमार हैं। तो यार, बच्चों का एक्स्ट्रा केयर करो, अच्छे से ध्यान रखो, कपड़े वगैरह अच्छे से पहनाओ, है ना। और बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, फीवर भी और कोल्ड कफ तो चल ही रहा है, तो ये भी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। चेरी की भी कंडीशन मतलब ठीक है, फीवर आ रहा है, बट ये है कि वो मतलब मैनेजेबल है और मेडिसिन दे रहे हैं तो ठीक हो जाएगी। एंटीबायोटिक जो है हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, और हम सोच रहे हैं कि मतलब PCM देके ही हो जाएगी ठीक। और बस वही 6 आवर्स में PCM दे रहे हैं, और बाकी थोड़ा बहुत गैस के लिए भी जो है मेडिसिन दे रहे हैं, तो यही है। काफ़ी ज़्यादा आराम है, और कल जो है हमने इसको नेबुलाइज भी दिया था, क्योंकि कफ जो है चेस्ट एकदम कंजेशन है, तो इसके लिए नेबुलाइज दिया था, जिसकी वजह से भी इसको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो बस इसी तरीके से घर पे मैनेज कर रहे हैं। और आज जो है संडे है, और हस्बैंड तो सुबह ही उठ गए थे, 6 बजे उठ गए थे, तो इन्होंने जो है आज काफ़ी सारे काम किए हैं, और मैं बताऊँगी क्या क्या किया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं उठी हूँ, फिर बाकी के काम, झाड़ू वगैरह, ये सारी डेली की डस्टिंग, क्लीनिंग, वो सारी चीज़ें करी हैं, और कपड़े धो दिए हैं, जो भी डेली के थोड़े बहुत कपड़े निकलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने इनको हैंड से ही जो है वॉश कर दिया, और बस मशीन ड्राई कर दिए ताकि फटाफट से सूख जाएं, क्योंकि यहाँ पे ना जो है हवा बिल्कुल, सूरज जो है मतलब धूप थोड़ी देर के लिए आती है, और फिर इस बिल्डिंग की वजह से बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। और उस साइड में धूप है, लेकिन अब यहाँ धूप नहीं है, तो मशीन ड्राई कर दिया था, और बस अब सूख जाएंगे। और यहाँ पे कुछ शूज़ जो मुझे धोने थे, इनके शूज़ धो दिए, चेरी के वाइट वाले धो दिए, क्योंकि इतने काले करके लाती है ना, जिसकी कोई हद नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं बच्चे। और एक ये सैंडल थी जो यूज़ नहीं हो रही है, बट मैंने इनको वॉश कर दिया है ताकि अब किसी को दे देंगे। और यहाँ पे चेरी के ये वाले शूज़ भी धो दिए हैं, तो बस ये सारे काम, सारे छोटे मोटे काम जो डेली के होते हैं, ये निपट चुके हैं, क्योंकि शूज़ वगैरह धोना डेली जब ड्यूटी होती है तब ये सब पॉसिबल नहीं होता है, तो ये सारे काम छुट्टी वाले दिन के ही होते हैं। बाकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग एंड ऑल, ये सारे काम हो चुके हैं। और अभी बज रहा है 11, और चेरी बीच में सुबह उठी थी, लेकिन फिर मैंने बोला चेरी के और सोना है, तो वो सो गई है और अच्छे से सो रही है। और ये भी जैसे कि मैंने बताया कि सुबह ही उठ गए थे, लेकिन फिर अपना लेटे लेटे टीवी देख रहे थे, और फिर ये भी दोबारा सो गए हैं, तो हस्बैंड भी यहाँ पे सो रहे हैं, ये देखो। और अब बस मैं तो लेट उठी थी इनसे, तो बाकी के काम वाम करके अब मैं करूँगी नाश्ता। और मेरा नाश्ता कहाँ गया रे? आज जो है छुट्टी का दिन था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा भगवान जी को प्रसाद बना के भोग लगा देते हैं, तो आज ये प्रसाद बनाया है और भगवान जी को भी भोग लगा दिया है, इन्होंने भी खा लिया है। चेरी तो सो ही रही है अभी, और अब मैं भी फ्री हो गई हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा प्रसाद खा लूँगी, और आप लोग भी इसको एक्सेप्ट कीजिए। और सभी बच्चों के लिए प्रेयर करूँगी कि सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, एकदम हेल्दी रहें, हंसते खेलते रहें, और सभी के घरों में जो है इसी तरीके से बच्चों की किलकारियाँ गूंजती रहें। और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं जो है क्रिसमस ट्री से रिलेटेड वाली बात जो है बताऊंगी, आगे बताती हूँ। एक बार मैं ये जो है नाश्ता कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। A few moments later. ऐसे करती है? गुड मॉर्निंग। उठ गया? अयो मेरी गुड्डू, कैसी है तबीयत? अच्छी है, वेरी गुड। भूख लगी है और पानी पीना है? सच्ची में? नहीं, ठंडा नहीं लाऊंगी, गर्म पानी देती हूँ ना मैं आपको। हाँ, कौन सी बॉटल में चाहिए? तूल वाली। अच्छा ठीक है, अब भी लेके आती हूँ। मेरे झींगुर के बाल देखो जरा, भालू बन गया, भालू। सबको गुड मॉर्निंग बोलो।
गुड मॉर्निंग। लेटर दैट सेम इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? इवनिंग का टाइम है, मेरा गुड्डू देखो, मेरे भोपाला को देखो। अभी इवनिंग में तो ना बिल्कुल ऐसे पस्त पड़ी हुई थी, आवाज नहीं निकाल रही है, आंखें नहीं खोल रही हैं। एक बार को तो मैं डर गई थी, मैंने इनको बोला कि शायद इसको लेके चलना पड़ेगा हॉस्पिटल। हाँ, फिर उसके बाद ना एक्चुअली मम्मी से वीडियो कॉल कर रहे थे, तो शायद इसका मन नहीं हो रहा होगा फोन वोन में बात करने का, तो चुपचाप ऐसे आंख बंद करके लेट गई। और मैं एकदम डर गई कि इसे क्या हो गया, ना बात कर रही है ना रिस्पॉन्स कर रही है। फिर फ़ोन जो है काट दिया, मैंने कहा मम्मी बाद में बात करते हैं, चेरी सही नहीं लग रही है मुझे। फिर उसके थोड़ी देर के बाद चेरी ने रिस्पॉन्स करना शुरू किया, है ना? कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा है। और यहाँ पे देखिए, अभी मैंने ना ये देखो आस्था से दवाइयाँ मंगवाई हैं चेरी को, अभी हम नेबुलाइज देते हैं, थोड़ा सा इसका जो चेस्ट कंजेशन है वो ठीक हो जाएगा। स्टीम देने का कोशिश किया, बट स्टीम तो भाई मुश्किल है चेरी को देना, मान ही नहीं रही थी। थोड़ा बहुत मैंने इसको टावल में लेके, मैंने भी स्टीम ली, इसको भी ली है, जो गया होगा सो गया होगा, बट ये उतने अच्छे से नहीं ले रही है। तो मैं अभी इसको नेबुलाइज देती हूँ। और हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी डाउन है और मेरी भी है, फीवर नहीं आ रहा है बट हरारत बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैंने तो कल भी PCM खाई थी, आज भी PCM खाई थी, क्योंकि यार इसको तो देखना है ना, अगर मैं फिर ऐसे ही लेट जाऊंगी तो हो गया फिर काम। तो ये भी मेडिसिन खा के अपना चल फिर रहे हैं, मैंने भी मेडिसिन खा ली। इन्फेक्शन है हमसे बच्चों में और बच्चों से हम में आई गई। तो यही है चेरी की हेल्थ का स्टेटस अभी फिलहाल। बस प्रे कीजिए कि सभी बच्चे स्वस्थ रहें और ये मैडम हमारी मंकू जल्दी से ठीक हो जाए, है ना, हॉस्पिटल तक की नौबत ना आए, घर में ही ठीक हो जाए, क्योंकि उनको भी वही सारी दवाइयाँ देनी है, वही सारा ट्रीटमेंट करना है जो भी हम लोग कर रहे हैं। Meanwhile, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने, जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आवाज जो है थोड़ी सी खराब सी आएगी, बट मैनेज कर लीजिएगा। तो मेरी शादी हुई थी 2013 में और 2014 में जो है मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था, यही नवंबर दिसंबर का महीना था। और फिर आया क्रिसमस, तो हम लोगों ने बड़े खुशी खुशी में क्रिसमस ट्री खरीदा। और उस साल जो है घर से सब लोग आए हुए थे, मेरे इन लॉज, मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और उनके बच्चे, सब लोग आ रखे थे, मतलब पूरा परिवार इकट्ठा हो रखा था। तो बच्चों के साथ बड़ा मज़ा आया, क्रिसमस ट्री खरीदा और अच्छे से डेकोरेट किया, बहुत मस्ती की, दिसंबर मंथ था। और यहाँ पे मैं जो है उस टाइम की पिक्स भी लगा दूंगी और आप देख लीजिएगा। और 2014 के बाद, मतलब उस टाइम मैंने कंसीव किया था, लेकिन बाई चांस कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हुए कि मेरी वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाई और मेरा अबॉर्शन हो गया। तो मुझे था कि जैसे कि मैं बहुत खुश थी, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से अबॉर्शन होना मेरे लिए एक तरीके का शॉक था। मैं उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रही थी और मेरे अंदर ये मन डर बैठ गया था कि मुझे, मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो है मेरा ये डर सच होता हुआ आगे आया, क्योंकि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे, जब भी ट्रीटमेंट लेने जाऊं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, और ऐसी गड़बड़ के डॉक्टर लोग भी हाथ खड़े कर रहे थे कि आप रेस्ट करो, आप ब्रेक ले लो, आप अभी जो है ट्रीटमेंट कंटिन्यू मत करो, क्योंकि उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, सब तो सही था, अचानक से ये क्या हो गया।
इस तरीके की सिचुएशन थी और वो फेज इतना बेकार चल रहा था कि एक साइड मैं अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी और एक साइड मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी, अपना ट्रीटमेंट ले रही थी इनफर्टिलिटी का, और दोनों चीजें बढ़ रही थी लेकिन कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो उस 5-6 सालों में मतलब इतने डिप्रेस्ड थे अंदर से कि कोई चीज सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं करता था। ये जो क्रिसमस ट्री हमने इतना खुशी से लिया था, और जैसे कि हर डेकोरेटिव आइटम होते हैं कि आपने ले लिया और जैसे ही नेक्स्ट फेस्टिवल आएगा आप उसको फिर से जो है यूज करोगे या डेकोरेशन करोगे अपने घर में, मजा आता है। बट हमने वो एक बार लगाया और वो ऐसा खरीदा, ऐसा पैक हुआ कि उसके बाद वो बाहर निकला ही नहीं। 2-3 मतलब फिर हमें याद आता था कि यार क्रिसमस ट्री है, लेकिन कुछ सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं करता था। ऐसा लगता था कि जैसे घर में बच्चा नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है, कोई रौनक नहीं है, मतलब एक फीकी सी जिंदगी है। और मैं बस गुरुजी से यही मांगती थी कि भगवान जी मेरे घर में भी बेबी दे दो, मेरे घर में भी रौनक आए, मेरे घर में भी खिलौने आए, बच्चों के खिलौने बिखरे रहे, बस यही चीज थी। बहुत बुरा टाइम था। और धीरे धीरे फिर ये हुआ कि जब खुशियां आएंगी तब सेलिब्रेट करेंगे। दिवाली पे भी मैंने रोई हूं मैं, मतलब जो फेस्टिवल खुशी मनाने के होते हैं उस दौरान भी रोती थी मैं भी। और मेरे हस्बैंड का मतलब थोड़े से इंट्रोवर्ट है, और वैसे भी लड़कियां तो अपना रो धो के फ्रेंड से शेयर करके अपनी फीलिंग्स जो है थोड़ा सा निकाल लेती हैं, मन हल्का कर लेती हैं, बट लड़के लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो बस यही सब था। तो हमने कभी इस क्रिसमस ट्री को निकाला ही नहीं। लेकिन और उसके बाद जो है हमारी लाइफ में आ गई चेरी, और जिसकी वजह से मतलब एकदम जैसे फीकी जिंदगी में रंग भर गए हो। हम हर फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट करने लगे, खुश रहने लगे, घर में रौनक आ गई। तो बस यही सब है। और इसीलिए शायद मैं इसी दिन का वेट कर रही थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था किसी भी अच्छे काम को किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि कुछ भी चीजें हैं यार बच्चों के जो है, बच्चों का मन करता है हर चीज का। तो हम लोगों को तो बिल्कुल ही हमारे शौक, हमारा जो है एक मन मर चुका था। चेरी के लिए अब हर चीज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और एज अ पेरेंट्स आप लोग भी समझ सकते हो कि खुद से ज्यादा आज अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने में हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। चेरी का फर्स्ट क्रिसमस था तो हम लोग घर में थे, चेरी भी छोटी थी। सेकंड में भी बच्चे को इतना पता नहीं चलता है, लेकिन इस बार इतनी खुश थी ये। और जब इसके लिए हमने क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया ना, तो ये खुशी ही अलग लेवल की थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये खुशी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और उन सभी कपल से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज फैमिली प्लानिंग करो, लेकिन इतनी लंबी मत करो कि आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाए और आप चाहते हुए भी कंसीव ना कर पाओ। क्योंकि यार कब तक आप 2 लोग रहोगे ना, आप भी 1 साल 2 साल 3 साल मतलब कुछ टाइम के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ कोई तीसरा होना चाहिए जिसके साथ अब हम अच्छे से और जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, खुशियां मनाएं। तो बस यही चीज है, मैंने वो चीज झेली है। मतलब हमने तो कभी फैमिली प्लानिंग का सोचा ही नहीं था इतना लंबा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि हमने 5-6 साल जो है हमें तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए। तो आप लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। मैं तो बहुत परेशान हुई हूँ, बहुत परेशान। बस ये था कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव होप थी, गुरुजी ने मेरे अंदर ये चीज डाल दी थी कि तू परेशान मत हो, तेरी गोद भरी जाएगी आज नहीं तो कल। और मेरे आसपास के जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी सब लोग थे, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। इवन मेरे लिए हर एक इंसान ने प्रेयर की होगी। आज मैं लोगों के नाम जो है ले नहीं पाऊंगी, इतने लोगों ने मेरे लिए प्रेयर करी है। और मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह मैंने भी मत्था टेका है और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी मत्था टेका है, सबने सबने। तो बस यही सब है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी। और ये देखिए वही छोटे छोटे बच्चे आज कितने बड़े हो गए हैं इतने सालों बाद, और मतलब इतने गैप के बाद हमें ये खुशी मिली है। और ये देखिए हमारा क्रिसमस ट्री, अच्छा लग रहा है ना? मुझे इसको खोलते वक्त बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि इतने सालों के बाद जो है मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी कि मतलब फिर से हम लोग सारी चीजें सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। नहीं तो एकदम होपलेस हो गए थे, कुछ भी अच्छा करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे गुड्डू ने जबरदस्ती करके, मम्मा क्या चाहिए? क्रिसमस ट्री चाहिए चाई को, है ना?
जबरदस्ती निकलवाया, मतलब जब तक निकाल नहीं दिया ना, बस इसको मैंने गलती से बोल दिया था कि चेरी हम क्रिसमस ट्री लगाएंगे, लगाओ निकालो लगाओ, मतलब बिल्कुल आफत आ गई थी जब तक ये निकला नहीं है। फटाफट में मैंने कहा खाना फिनिश कर, खाना फिनिश किया और बस उसके बाद बर्तन नहीं रखने दिए, पहले चलो क्रिसमस ट्री निकालो। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मैं तो इसी दिन का वेट कर रही थी, है ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई सपोर्ट कीजिए, है ना। बाय बाय, लव यू ऑल।